Hey guys, good morning, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. Good morning nahi, almost good evening ho chuka hai abhi. 4 baj rahe hain and ab main vlogging start kar rahi hu kyunki aaj ka din itna boring hai kyunki dhoop bahut hai aaj. Itni garmi hai, itni dhoop hai, kuch bhi karne ka man nahi kar raha hai. To bas main aur Sunny kuch videos dekhte hue chup lete hue the. सोफा पे एंड उसके बाद सनी के ऑफिस कॉल स्टार्ट हो गए. अभी भी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, उनकी कॉल्स की आवाज़ है. अब मैंने सोचा कि चलो उठते हैं, थोड़ा व्लॉगिंग करते, क्योंकि अगर कुछ भी आज कंटेंट नहीं रहा तो मैं आज व्लॉग डाल ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है आज डालने के लिए. क्यों, सुबह से नाश्ता हुआ है जब से, मतलब थोड़ा काम किया मैंने, जैसे कि कुछ सामान वामान था टेबल वेबल पे वो सब कुछ निकाल के रखा, बट उसके बाद से ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का. मतलब बॉडी में ना ऐसे लग रहा है जैसे ताकत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लग रहा है. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने सनी को बोला कि चलो मॉल तक घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश फील हो जाए शायद. सनी ने बोला कि कॉल ख़त्म हो जाए एक बार ही फिर हम चलेंगे. तो ऐसे आज आपको मेरा एकदम लेजी सा चेहरा देख के आज अजूबा लग रहा होगा क्योंकि मैं जनरली ऐसे नहीं रहती हूँ, मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ. तो कभी कभार हो जाता है यार, सबका सब सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं ना. कि डिनर के बारे में सोच रही थी, डिनर में क्या बनाऊँ तो समझ नहीं आ रहा है आज क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी इतनी ज़्यादा है नहीं जो मुस्तफ़ा से लाई थी. मैं सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई, सिर्फ करेले बचे हुए हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात को करेले बनाऊं डिनर में. करेले के साथ साथ मैं बनाऊंगी आई थिंक दाल बना दूंगी, दाल एंड करेले हो जाएंगे, फिर फुलके बनाएंगे, आज फुलके बना के खाएंगे. सो यार चलिए शुरुआत करते हैं अभी शाम के टाइम से. ऑल्सो ना मुझे यार फ्लाइट उड़ती है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता मुझे. दो तीन लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि अंडर आर्म्स अगर डार्क हो रहे हैं तो क्या करना है. कभी कभार ना अंडर आर्म्स डार्क होने का कारण होता है कि आपके हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहे हैं ना, तो तब भी आपके अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं. नेक लाइन यहाँ पे नेक डार्क होने लगती है. मुझे बीच में अंडर आर्म्स डार्क होने का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय हार्मोनल डिसऑर्डर, बट देन धीरे धीरे कम हुआ. एंड ऑल्सो मैंने उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया है अपने तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है सिंगापुर में, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि सी सॉल्ट, आई मीन जो बॉडी स्क्रब सॉल्ट होता है ना, तो उस सॉल्ट से अंडर आर्म्स को थोड़ा सा रब कर लेना जब भी नहा रहे हो. वीक में दो बार करोगे तो भी चलेगा, मेरे लिए ये काम किया है. अब पता नहीं अलग अलग बॉडीज पे कैसा काम करेगा, बट मेरे लिए तो ये डेफिनेटली काम किया है. तो ऐसा वाला मेरा ये वाला ना कॉफ़ी वाला सॉल्ट है मेरा, ये मैं लाई थी ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से लाई थी मैं. तो यहाँ पे भी मिलता होगा बॉडी सी सॉल्ट, बॉडी स्क्रब सॉल्ट अगर आप सर्च करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा, आप वो सर्च करके देखिएगा. तो मेरा कुछ ऐसा इतना यूज़ कर दिया मैंने, ख़त्म होने को आ रहा है. एक और पैकेट रखा है मेरे पास, तो ऐसा मैं इसको टैग्स डाल के रखती हूँ बॉडी स्क्रब लिख के, ताकि ऐसे सब लिख के रखती हूँ क्योंकि मेरे अलावा सनी भी वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि उनको कन्फ्यूजन हो के वो कुछ और यूज़ कर बैठे. तो कुछ ऐसी बॉटल में मैंने डाल के रखा है, एक्चुअली ये पैकेट में आता है बट पैकेट से यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मेरे पास ऐसी बॉटल रखी हुई थी तो इसको ही मैंने यूज़ कर लिया है. तो ऐसे सॉल्ट होते हैं ना, बॉडी सॉल्ट होते हैं ना, उससे आप थोड़ा स्क्रब कर लीजिए. बहुत तेज़ी से मत कर लीजिए क्योंकि आपके अंडर आर्म्स का स्किन बहुत ही थिन होता है, आपने देखा है अगर. तो अगर आप बहुत रैश बहुत हार्ड करोगे ना तो आपको धीरे थोड़े थोड़े फाइन लाइंस चोट लग सकती है, तो इसलिए थोड़ा संभल के यूज़ करना ये वाले को. बट इससे काफ़ी मेरे पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, मतलब मेरे अंडर आर्म्स काफ़ी लाइट हो गए हैं अभी, बहुत अच्छे हो गए हैं टच वुड. मे बी इस ये भी कारण हो सकता है, एंड मे बी कुछ और भी हो सकता है ना. सो बताना था मुझे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि बता दूँ आप लोगों को. आ रही हूँ किचन में, थोड़ा बहुत डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, वरना ऐसे ही मैं लेजीनेस में बैठी रहूँगी ना तो मैं पूरा दिन बैठ जाऊँगी अभी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है आज का लेजीनेस किस टाइप का लेजीनेस आ रहा है मुझे. सो इसको बैक इन माई वॉशरूम रख देते हैं यहाँ पे. Thank you.
सो यहाँ पे देखिए कुकर अभी ठंडा होने के लिए वेट कर रही हूँ मैं। और मेरे पास ये सेलेरी रखी हुई थी तो इसका मैं जूस बनाऊंगी। एक्चुअली ये बहुत हेल्दी होता है और ऐसे ही स्नैकिंग के लिए भी अच्छा होता है, बट मैं खा नहीं सकती ऐसे ही, तो इसीलिए मैं ऑरेंज जूस के साथ सेलेरी को मिक्सी ग्राइंडर में डाल के फिर इसका जूस छान के ऑरेंज जूस के साथ मिक्स करके मैं पीती हूँ। किसी भी फॉर्म में बॉडी में जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं अभी इसको कट कर ले रही हूँ ताकि मिक्सी में ज़्यादा जोर ना पड़े। और ये जो आखिर का दंट होता है ना, ये मैं तोड़ देती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ उसको। ये वैसे भी छन जाएगा ना छन्नी में, तो अच्छा खासा रह जाएगा ये। मतलब इसमें अगर ऐसे ये धनिया जैसे जो पत्ते होते हैं ना, ये है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इतना यूज़ करेंगे, ये एक और बार के लिए रख दूंगी मैं। इसका सूप भी बहुत अच्छा लगता है, ये कभी आप ट्राई करके देखिएगा। अभी के लिए इसको भी धो लूँगी, देखिए ऐसे थोड़ी थोड़ी इसमें ना मिट्टी दिखती है ब्लैक ब्लैक, तो इसको भी मैं धो लूँगी। यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, इसका भी मैं जूस निकालूँगी। इसमें जूस निकाल के फिर सेलेरी को मैंने ये देखिए मिक्सी ग्राइंडर में डाल के रखा है। इसको मैं इमीडिएटली तभी ग्राइंड करके फिर छन्नी में छान के उसका जूस ऑरेंज में मिक्स कर लूँगी। एयर फ्रायर में मैंने ये देखिए दिखाती हूँ आपको, तो ये मैंने यहाँ पे करेले एयर फ्रायर में रख दिए हैं, तो ये होते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने लहसुन छील लिया है दाल के लिए, और ये प्याज है करेला एंड दाल के लिए, दोनों के लिए। एंड दाल गल चुकी है, कुकर भी ठंडा हो गया है। यस, पूरी दाल गल गई है अभी। सो ये देखिए दाल का तड़का लग चुका है, एंड मैंने मोटी मोटी प्याज काटी है जैसे ढाबे वाबे में काटते हैं ना ऐसी, एंड थोड़ी सी कच्ची रखिएगा प्याज, बहुत टेस्टी होती है। एंड कसूरी मेथी डाली है मैंने, और अभी इसमें ये मिक्स दाल डाल दूँगी मैं भी। ये दाल बहुत ही यमी बनती है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत डिफरेंट टाइप की दाल बनती है, मगर ये बिल्कुल ढाबे टाइप की भी टेस्ट करती है, एंड बच्चे भी खा सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि बहुत स्पाइसी होती है, मगर टेस्टी बहुत होती है ये। एंड आज मैंने पूरा बटर में तड़का दिया है, क्योंकि बटर में तड़का देने से ना टेस्ट बहुत अलग आ जाता है, तो आपको घी भी डालने की ज़रूरत नहीं ऊपर से, क्योंकि बटर ना अल्टीमेटली मेल्ट होके घी ही बन जाता है इसमें। तो अब इसको एक उबाल आने देते हैं, फिर हरा धनिया डालूंगी मैं इसमें। तो देखिए करेले बन के अभी तैयार हो गए अभी, तो अभी हम थोड़ा सा मॉल की तरफ जाके आते हैं, आके खाना खाएंगे। फाइनली ऑलमोस्ट सिर्फ तड़का देना बाकी है, सब कुछ मैंने काट पीट के रख दिया है। इतनी गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा धूप है, उसकी वजह से इतना आलस आया। अभी सनी नहाने गए हैं, वो बोलते हैं कि पानी गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना गर्म पानी आ रहा है ऊपर से, तो उसी में वो नहा रहे हैं बोले। तो अभी ये सारा कुछ करके रख के फिर हम थोड़ा मॉल की तरफ जाके आते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, वो खाने का भी मन नहीं करेगा गर्म गर्म। थोड़ा अंधेरा हो जाए, ठंडा हो जाए, तब खाने का मन करेगा। आई थिंक हम आज 7 बजे तक खा लेंगे, 6:30 नहीं खाएंगे जो हम डेली जैसे खाते हैं 7:45 तक, 7:15 तक आज खा लेंगे हम। तो बस आटा गूंदने जा रही हूँ अभी मैं, आटा वाटा गूंद के रख दूंगी तो सारा मेरा तैयारी हो जाएगी। तो घर पे आटा फिर तो अभी हम जा रहे हैं मॉल की तरफ। देखिए उजाला कितना है, मैं बोल रही हूँ ना गर्मी बहुत है, अभी भी शायद सनसेट बहुत लेट हुआ है। आपको मैं बादल दिखाती हूँ आगे, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने फूंक मार दी एंड बादल यूं हो गए टेढ़े ऐसे हो गए। देखिए बादल दिख रहे हैं कैसे हो गए हैं, मतलब जैसे एकदम से जैसे किसी ने फूंक मारा है कॉटन के अंदर। वो देखिए डिज़ाइन दिख रहा है आपको, इतना उजाला है अभी भी, एंड गर्मी भी है अभी, तो इसीलिए हम खाना नहीं खाए आज। पहली बार शायद खाना बनाए बट हम खाए नहीं, वापस आके खाएंगे। थोड़ा मॉल में घूम घाम के आते हैं अभी, और आके फिर खाने की थाली के साथ मैं आपको मिलती हूँ। अगर मॉल में कुछ क्रिसमस का स्पेशल दिख रहा है डेकोरेशन, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ का क्रिसमस, यहाँ की लाइफस्टाइल वगैरह देखना बहुत लड़कियों को पसंद है, तो इसलिए मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना दिखाती हूँ, एंड जो मुझे पसंद आता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये यहाँ पे एक स्टोर है, स्कूप बोल के इसका नाम है, तो ये पूरा ऑर्गेनिक स्टोर है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए ये पूरा चॉकलेट्स का सेक्शन है, तो ऐसे रखे रहते हैं, आप अपनी चॉइस की बॉटल ले सकते हो, फिर उसको पर ऐसे लिख भी सकते हो। एंड कौन सा चॉकलेट चाहिए देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स हैं, तो यहाँ से आप ये कोई भी आइटम्स ले सकते हो। और ये देखिए सारी टी हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टी वगैरह है। अगर ये शॉप आपको कहीं भी दिख रहा है ना, स्कूप इसका नाम है वो, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। पूरा ऑर्गेनिक स्टोर है ये, एंड चीज़ें बड़ी ही यूनिक यूनिक सी मिलेंगी आपको,
और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वुड की चीज़ें, वुडन चीज़ें भी मिलती हैं। ये देखिए जैसे कि ट्रे हुआ, ये सारे मॉल्टन पेसल स्पून एंड ये रोलर पिन है, ये देखिए ऐसा वाला, और ये सारे। एंड जब भी आपको बॉटल वगैरह चाहिए ना, आप ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हो लोगों को ऐसे बॉटल्स में डाल के। फिर ऐसे बॉक्स भी मिलते हैं यहाँ पे, तो इसमें ऐसे डाल के आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये देखिए, और क्रिसमस स्पेशल भी कुछ कुछ आया हुआ है। और अगर यहाँ अंदर देखोगे आप तो वो पूरा बॉडी स्क्रब, लॉन्ड्री धोने का डिटर्जेंट, सारा ऑर्गेनिक मिलता है। मैं आपको एक बार ही दिखाई देती हूँ वरना मुझे शांति नहीं होगी। सो ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा सोप है, लिक्विड सोप। आप ये टैप से ऑन करके आप ले सकते हो। अलग अलग फ्लेवर्स का है ये, अलग अलग खुशबू का है। एंड यहाँ पे बॉडी स्क्रब वगैरह दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सॉल्ट है, अलग अलग बॉडी स्क्रब्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए, ये स्टोर मुझे फर्स्ट डे जब आई थी मुझे बहुत पसंद आया था, अभी भी आती रहती हूँ मैं। एंड ये सारे सॉल्ट्स हैं, सोप भी मिलते हैं आपको। ये देखिए, ये पूरे सोप्स हैं, बॉडी सोप वगैरह। तो चलिए अभी जो मैं लेने आई हूँ वो मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे स्कूप्स वगैरह ली हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, पूरे पूरे जूट की चीज़ें मिलती हैं, बहुत प्यारा स्टोर है ये। ऐसे बॉटल्स मिलते हैं आपको, जो चाहिए आप लेके गिफ्ट भी कर सकते हो। अरे ये दुकान के बारे में जितना भी बोलो उतना कम है, आप आ रहे हो तो देख लीजिए कभी, किसी दिन मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड ये सारा ऑर्गेनिक हनी है, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हनी, जैम सब कुछ होता है यहाँ पे। हनी आप लाइफ में नहीं देखोगे, वैसी वैसी टाइप की हनी मिलती है। देखिए हनी का पूरा एक सेक्शन है यहाँ पे। देखिए क्रिसमस के लिए कितने वेराइटी ऑफ केक्स आए हैं यहाँ पे, जो ऐसे पैक्ड होते हैं। ये सारा क्रिसमस के लिए रखा है। डायरेक्टली आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो गिफ्ट भी दे सकते हो, या अपने लिए क्रिसमस के लिए लेके जा सकते हो। ये प्रिजर्वेटिव्स डला हुआ केक है, तो आप इसको आराम से जब चाहिए तब खा सकते हो। बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ है। मुझे सबसे क्लासी पैकेजिंग ये लगा, इसका पैकेजिंग देखिए कितना प्यारा है। सो दोस्तों, अभी जस्ट वापस आए हम घर। एंड मॉल जाना मतलब कुछ तो ग्रोसरी आते ही आते हैं घर पे, तो मैंने यहाँ पे ग्रोसरी लाया है। फटाफट से आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आई नो मेरी सारी लड़कियाँ, मेरी फ्रेंड्स को ग्रोसरी बड़ी पसंद है, तो इसलिए फटाफट से दिखा देती हूँ। एंड फिर मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि डिनर नहीं किया हमने अभी तक। ये अंडे लाए मैंने, ये 12 का ट्रे होता है, तो ये अंडे, ये हमारे बस कब तक चलेंगे, संडे तक ही चल जाएंगे। आज क्या है, ट्यूसडे है ना, तो वेंसडे थर्सडे सैटरडे संडे, बस 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और ये रहा ब्रेड, वाइट ब्रेड। और फिर मैंने लाया ये पैगवेट, ये आजकल बड़ा पसंद आने लगा है, तो ये। और फिर मैंने लाया ब्रोकली, जो कि हम खाते हैं ब्रेकफास्ट में। फिर अनियन ख़त्म हो गए थे इमरजेंसी के लिए, मैंने यहीं से लाया है, वरना मैं इंडियन शॉप से लाती हूँ, 2-3 किलो लाती हूँ। ये आई थिंक सिर्फ 700 ग्राम है, तो ये मैंने इमरजेंसी के लिए लाया है। फ्रूट्स तो घर पे हैं थोड़े बहुत, फिर भी मैंने ये वाले लाए, ऑरेंजेस वगैरह हैं, एप्पल नहीं थे। एप्पल के बदले मैंने पियर्स लाए इस बार, क्योंकि पियर्स काफ़ी दिन हो गए थे नहीं खाए थे, तो इसलिए ये फ्रूट्स लाए। और फिर ये मैंने लाया ड्राई यीस्ट, क्योंकि इससे मैं कुछ बनाने का सोच रही थी, इसलिए ये लाया है। और जहाँ पे मैं अभी स्कूप गई थी ना, आपको दिखाई थी मैं, वो जो स्टोर था वहाँ से मैंने ये बैम्बू वाले स्ट्रॉज लाए। देखिए 4 स्ट्रॉ, कुछ ऑफर पे चला था, उसका पैकेजिंग देखिए कितना प्यारा है। तो बैम्बू के स्ट्रॉ है, ये रीयूजेबल है, इसको धो भी सकते हो। इसको धोने के लिए छोटा सा ब्रश होता है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। ऐसा वाला अगर आप मेटल स्ट्रॉज ले रहे हो ना, तो आजकल ऐसा वाला उसके साथ ब्रश देते हैं धोने के लिए, तो इसको आप अंदर डाल के ना इजीली धो सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ गंदा वगैरह बच जाएगा, तो बैम्बू के स्ट्रॉज लाए मैंने। और फिर इसमें कुछ है जो आपको आगे पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगी, खाती थी खड़े ना। और फिर मैंने लाया दूध, ये अमूल दही जमाने के लिए, और ये नॉर्मल दूध। तो फटाफट से अब मैं रोटी बना लेती हूँ, एंड उसके बाद आपको मिलती हूँ, थाली दिखाऊँ खाने की थाली के साथ। सो दाल है ना, तो फटाफट से मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना फटाफट से थोड़ा सा राइस तड़का दे दूँ। तो थोड़े से घी में मैंने जीरा डाला है यहाँ पे, एंड इसमें अभी राइस डाल देंगे, तो थोड़ा ना जीरा राइस जैसा फ्लेवर आ जाएगा, और घी की खुशबू ही कुछ और आती है राइस में। इसमें
देखिए ऐसे ये सेलरी का मैंने जूस निकाल लिया है। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो पूरा उसका जूस आ गया। अब मैं इसमें ऑरेंज जूस मिक्स करूँगी एंड फिर इसको पियेंगे हम। सो ये देखिए ये रहा डिनर। दाल बहुत मस्त बनी है, मुझे इससे लग रहा है, देख के इसकी शक्ल से लग रहा है। और फिर करेले एंड फुलके, मल्टीग्रेन की रोटी है ये। और ये रहा वो ऑरेंज एंड सेलरी का जूस। सो अभी ये देखिए रात के 11:30 बजे, अभी तक मैंने एडिटिंग नहीं की, कुछ नहीं, वीडियो लेट आने वाला है, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये रही हमारी मैट्रेस जो कि ऑलरेडी ऊंची है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। उसके ऊपर हमने ये डाला है सॉफ्टनेस के लिए, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक और प्रोटेक्टर आता है, बेड प्रोटेक्टर जो होता है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, ये बेड इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ऑलरेडी, तो हम क्या ऐसे क्रेडल जैसे होके सो रहे थे ये सारा डाल के, तो वो बैक के लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्ग रन में, हमने सुना, सब लोगों से सुना। तो इसीलिए अभी हम क्या सोच रहे हैं, इसको निकाल दें और सिर्फ ये मैट्रेस एंड फिर अभी इसके ऊपर जो ये प्रोटेक्टर आता है इसको डालें। तो अभी रात को हमें चेंज करके ही सोएंगे सोच रहे हैं, तो इसीलिए अभी ये चल रहा है बेड का। हाँ चलो जी, तो रात के कितने 12:15 बज चुके हैं, मुझे एडिटिंग भी करनी है, किचन पूरी साफ कर दी मैंने आज, मेरी हालत देखिए बेहालत हो गई है, क्योंकि वो जो बेड का सब कुछ निकालना था ना उसमें बहुत मेहनत लगी, मैंने और सनी ने मिलकर ही किया, सनी ने हेल्प किया मेरी, बट फिर भी बहुत थकान हो गई, ऐसे पसीने आ रहे थे। फिर मैं एक एयरकॉन वगैरह चला के बेडरूम को ठंडा करके रखा है ताकि अब जाके फटाफट से एडिटिंग करके फिर मैं नहा के सो जाऊँगी। तो अभी किचन साफ हो गई है, सनी का दूध गर्म कर रही हूँ, दूध में गुड़ डाल के मैं उनको रात को सोने से पहले देती हूँ। सो वही है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में एंड आज देखते हैं बेड चेंज होने के बाद नींद अच्छे से आएगी कि नहीं, होपफुली नींद अच्छे से आएगी। सो गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो, अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।